प्रोग्राम आज की शख्सियत के। कोई ऐसा आपका कोई वाक्य? डेथ ऑफ माय ब्रदर। उन माण्हूअ खे ज़िमेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हूअ जो सिंध जहिड़े नमूने सां अधुर भाउ करे रही आहे, उहो अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, पी टी आई खे बि मालूम आहे। तो आपको अपना ज़हन और सब्र बहुत ज़रूरी है। रबाब जो हिन वक्त ताईं उहा न्याणी जेका आहे सो कोर्टुनि ऐं अदालतुनि जा पहिरें उघाड़े चकर थी काटे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका अपना ऑस्ट्रेलिया आमदीद प्रीमियर प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि आपको प्रोग्राम में उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो, सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, एक प्यारी शख्सियत से उसका ताल्लुक है और हमारे दादू के एमएनए हैं सरदार रफ़ीक अहमद जमाल साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम चलेंगे उससे गुफ्तगु कराएंगे उसके प्रोफाइल पे, उसकी एक्टिविटी पे और वर्कआउट पॉइंट पे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वेलकम टू माय प्रोग्राम आज की शख्सियत। मैं आपको बलिकार कहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप शख्स नहीं शख्सियत हैं, हर शख्सियत का एक अपना पहलू होता है। आपके ख़ानदान का एक बड़ा सा प्रोफाइल है और आपका बचपन, ये दो कंट्रीब्यूशन है। तो काइंडली फर्स्ट में हमारे नाज़रीन और आपके चाहने वाले आपके प्रोफाइल, ख़ानदान के प्रोफाइल से थोड़ा सुनना चाहते हैं। जी, मेरा ताल्लुक शुरू से ही पीपल्स पार्टी से है। मेरे वालिद का भी 70 में भुट्टो साहब के साथ रहे हैं और इसी हलके से पीपल्स पार्टी की टिकट पे वो सरदार मोहम्मद बख्श जमाली यहाँ इलेक्ट हुए थे और उसके बाद 88 में MNA बने, 90 में बने, 93 में बने, 97 में बने। 2002 की इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में मैं जो हूँ फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ था पीपल्स पार्टी टिकट पे और मैं 1997 दिसंबर में मुझे पार्टी जो है डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया था। इससे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी का भी मेम्बर रहा हूँ और फिर जो है अल्लाह की मेहरबानी ये मेरा चौथा टर्म अब कंप्लीट हुआ है, होने जा रहा है। अगस्त में असेंबली अपना जो है वो टाइम पीरियड पूरा कर रही हैं। अच्छा सर, एक शख्स होता है उसका एक अपने ख्वाब होते हैं, आपकी ताबीर होती है, अपना लक्ष्य होता है। एक वो होता है जो ख़ानदान की चीज़ को लेकर चलना पड़ता है सियासत। तो आपने पॉलिटिक्स जो चूज़ की अपने ख़ानदान की रवायत के लिए या ख़ुद आपने चूज़ की? बात यह कि इस तरह नहीं होता कि ख़ानदान एक ये एक मीरास है, ये है सियासत। और कामयाबियाँ जो होती हैं वो होती हैं लोगों की खिदमत करने से, पब्लिक की खिदमत करने से। जितनी लोगों के साथ आप रहोगे, जितनी खिदमत करोगे तो उतनी ही जो है लोग जो है वो लाइक भी करते हैं और हर मुश्किल टाइम में भी वो इलेक्ट भी करते हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की टिकट, दूसरा वो ख़ुद जो है अपने लोगों के साथ रहे, दुख सुख में उसके साथ रहे और उनकी खिदमत करे। अच्छा सर, आप पर्सनली पार्टी से कितना मुतमिन है कि आप पार्टी पाकिस्तान में किस लेवल का काम कर रही है, आप पर्सनली कितना मुतमिन है? मैं तो 100% मुतमिन हूँ पीपल्स पार्टी से, जिसे हमारे प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान की, उसे हम उस पर फ़ख्र करते हैं। अपने नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे फ़ख्र करते हैं। जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बना है, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से, इनकी सियासत, इनकी पॉलिटिक्स, इसकी जो पॉलिसी थी उसके तहत उन्होंने उन ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को निकाला है। अच्छा सर, कुछ यही सिर्फ वो एक फॉरेन मिनिस्टर आम रवाजी नहीं है, वो एक बड़ी पार्टी का सरबराह भी है और उनका एक अपना सियासी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और कई जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी उनकी फैमिली
शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक जो है उनकी दोस्ती रही है, उनसे ताल्लुकात रहे हैं, तो वो ताल्लुकात आज इस पाकिस्तान को काम आ रहे हैं। अच्छा सर, आपके मुताबिक के पार्टी 100% बेहतर काम करिए, तो कुछ इश्यूज़ सामने आ रहे हैं, जैसे हमारे महंगाई का इश्यूज़ सामने आ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महंगाई का जो भी तोड़ है वो वफाक हुकूमत का है, और वफाक कह रही है कि ये जो कुछ भी है सिंध गवर्नमेंट का है, तो आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए ना, यकीनन महंगाई जो भी है, जो भी हालात हुए, ज़्यादातर ख़राब जो है हुए हैं वो कप्तान की पिछली 4 साल वाली गवर्नमेंट में जी हालात बहुत जो है ख़राब हुए हैं। इस बजट में पीपल्स पार्टी की वजह से जो है वो 35% जो है एम्प्लॉज़ की तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर को काफ़ी रिलीफ मिला है। तो ये क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि भाई हमारी जो है वो एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, जब आबादगार खुश नहीं होंगे, उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो हमारी कंट्री जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। तो ये पीपल्स पार्टी यकीनन अवामी पार्टी है, तो वो अवाम के लिए सोचती है। अच्छा सर, इस फ्लड में पार्टी का किरदार कैसा रहा? क्या वो रिलीफ इन गरीब लोगों को दे पाई है जो देना चाहिए था? देखिए बिल्कुल रिलीफ, मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ और यहाँ का इलेक्टेड भी वो हूँ, तो इस वजह से दिन रात हम लोगों के साथ, पब्लिक हमारे साथ होती थी। दादू जितनी भी कोशिश की कि हम ने इस MNV जैन की जो दादू की तरफ लेफ्ट साइड है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लोगों की, पब्लिक का जो है वो भी हमें ताकत काम आई और गवर्नमेंट की मशीनरी भी काम आई, ताकि हमने अपने इलाके उस बड़े फ्लड बड़ी तबाही से बचाए हैं। तो यकीनन यही खिदमत होती है, और उस टाइम जितना भी पॉसिबल था गवर्नमेंट की तरफ से वो अपना राशन की सूरत में, टैंक्स की सूरत में, अब जो 12 एकड़ से कम आबादगार थे उनको वो सीड की मद में उनको कैश मिली है, और अब जो है मरहला है उनके जिनके घर बिल्कुल जो है ख़त्म हो गए थे उनको दोबारा वहाँ आबाद करने की, बनाने की वो अभी प्रोसेस शुरू हो गया। अच्छा, लोगों की ये शिकायत है कि जिन लोगों के घर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसा सिस्टम चलाया गया है कि किसी भी इलाके में जाओ तो 10 लोगों को मिलते हैं, तो 9 लोग बिल्कुल उसे जो है ना रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, तो इस चीज़ को आप किस देखिए ना बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से इनकी सर्वे हुई है जी जी, ये किसी के सियासी कहने पे भी नहीं हुई है। जो भी इलाका फ्लड में आया है, जितने भी जिनके घर गांव तबाह हुए हैं, उनकी एक सर्वे हुई है और उस सर्वे को माना गया है। अब उसके ऊपर भी कोई NGOs रखी है मॉनिटर करने के लिए, हाँ। कि आया जिनके घर गिर गए हैं उसके उसको अगर पैसे मिलते हैं तो वो आया घर बनाता है या कोई और काम करता है। अगर वो घर बनाएगा उसका प्रोसेस शुरू होगा, DPC होगी तो उसकी दूसरी किस्त इशू हो जाएगी, लेंटर लेवल होगी तो तीसरी हो जाएगी, छत होगी, जिस तरह उनका होता है वो उसके पैसे जो है रिलीज होते आए जाएंगे। अच्छा सर, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जिंदगी संगत आवे हम आज दबड़ू अज असाजे प्रोग्राम जा मेहमान हैं अलामा राशिद महमूद सुमरो साहब। अवहां GDA जा इत्तेहादी आयो ए मरपाव रहीम जी कोशिशन सा काफी अवहां जा इत्तेहादी PTI में शमूलियत कर रहे हैं, अच्छा अवहां के इन बाबत कोई पेशकश है? उन माण्हूअ खे ज़िमेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां अधुर भाउ करे रही आहे, उहो अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, PTI खे बि मालूम आहे। तव्हांजे वालिद मोहतरम डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो साहब जो केस तवील अरसे खां कोर्टनि जे हवाले आहे, छो अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जा कातिल कैफ़े किरदार ताईं नाहिनि पहुता?
मां हमेशा अदालत के जरिए पंहिंजे वालिद जे खून में इंसाफ जी गाल कई आ। शहीद खालिद महमूद से मोहब्बत कंदड़ एक एक फर्द डॉक्टर खालिद महमूद सुमर के कत्ल केस में इंसाफ घुरी रो। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज दादू की ब्रिलियंट पर्सनालिटी सरदार रफीकत जमाली साहब हमारे प्रोग्राम में माने। अच्छा सर, जब पीपल्स पार्टी का नाम आता है तो आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत पे बात ना हो ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट हुआ आसिफ अली जरदारी साहब, तो आप उसकी एक्टिविटी को किस निगाह से देखते हैं? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पर पीपल्स पार्टी को फ़ख्र है, नाज है। जिस तरह से वो इस मुल्क को वो कई मुश्किल हालात से उसकी सियासत निकाल रही है, उसकी सियासत की वजह से जो है पीपल्स पार्टी ये अवामी पार्टी है और वो अवामी फैसले करते हैं, तो इस वजह से आसिफ अली जरदारी साहब जो है उस पर हमारा नाज है और फ़ख्र है। अच्छा सर, आप अब गरीब आवाम की पूरी उम्मीद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल साहब वो मोहतरमा वाला खाद क्या पूरा आप कर पाएगा? यकीनन इंशाल्लाह ताला, अभी उम्मीद लोगों की यही है बिलावल साहब और एक नौजवान हमारा लीडर है और उसमें बिल्कुल वो अहलियत भी है, एक लीडरशिप वाला जो उसमें अहलियत होती है वो भी है उसमें, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर पीपल्स पार्टी का है, बिलावल साहब का है, और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद बिलावल साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा, एक्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में उसे वो रिस्पांस मिलेगा जो पहले मिल चुका है? लेकिन अभी उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, उस पर कोई बहस करना फजूल है। अच्छा अच्छा सर, लास्ट में आप एक अल्लाह ने आपको एक बड़ी शख्सियत के हिसाब से पैदा किया है, तो ईद के हिसाब से आपकी तरफ से अपने पब्लिक अपने वोटर्स के लिए कोई ऐसा पैकेज कोई ऐसा पैगाम कोई ऐसी चीज़ जो आप डिलीवर करें? देखिए, बात यह है कि वसाइल के मुताबिक होता है सारा कुछ, ये नहीं है कि मैंने कोई इतना पैकेज अपनी तरफ से, पैकेजेस जितने भी होते हैं कोशिश होती है गवर्नमेंट्स देती हैं लोगों को पब्लिक्स को, और हमारा काम है वो अमानत के तौर पे उस गरीबों तक डिलीवर करें, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट वो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट वो पैकेज दे रही है जो गरीबों के राइट्स बनते हैं, जो इफ़ेक्टेड एरियाज थी जिनके घर गिर गए, जिनकी जो तकलीफ़ों में जो जिनका ये टाइम गुजरा है, तो उनकी इंशाल्लाह ताला तकलीफ़ें ये दूर हो जाएंगी जब इनके घर गांव सब इलाका जो है फिर से आबाद होगा, तो ये वो दुख की जो घड़ी है वो भूल जाएंगे। अच्छा सर, लास्ट सवाल, एक एमपीए और एक पब्लिक, उन दोनों का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो किस लेवल का होना चाहिए? एमपीए का अपनी पब्लिक के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, पब्लिक का एमपीए के साथ? मैं तो एमएनए हूँ, आपके क्वेश्चन का यही है कि जो भी एमपीए या एमएनए, हाँ जो भी हो, बात यह है कि एमएनए या एमपीए जो भी है पब्लिक के साथ जितना वो क्लोज रिलेशन रखेगा उतना ही उसका फ़ायदा है, जितना अपनी पब्लिक के साथ दूर भागेगा उतना उसका लॉस है। ज़बरदस्त सर, क्या करें, वक्त की दौड़ के साथ बंदे होते हैं, हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो चुका है। एक खूबसूरत शेर के साथ मुझे और आज की शख्सियत को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश ऑल द बेस्ट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम दीन चिंदड़ी। प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ, मतलब कौन सी ऐसी एक चीज़ देख ली मुझे ना अब इस सोशल एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है, इन गरीब लोगों के लिए कुछ करना है, कैसे हुआ? हर बात शौक की होती है, मेरा शौक था कि लाड़काना में जो है तो सामाजिक काम सही, हम जो है सो खिदमत करें, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वो सामाजिक कामों में हो। ये जो माशत हमारी गिर रही है तो इसका जिम्मेवार
कौन है? कहूँगा क्योंकि ये वही बता सकते हैं जो बड़े हैं,